Hello students, good morning. You all are welcomed by Mrs. Ila Gokani in today's Hindi online classes at Tatakem DAV Public School, Mithapur. Children, today we will complete exercise of lesson number 3, Samajhdar Ajay, in Bhasha Abhyas book. And we will do exercise of लेसन नंबर 4 रविवार का दिन. ओके, सो गेट रेडी विथ योर भाषा अभ्यास बुक, पेंसिल एंड इरेजर. यू ऑल आर रेडी विथ योर भाषा अभ्यास बुक, पेंसिल एंड इरेजर. वेरी गुड. ओपन पेज नंबर 10. Let's continue exercise of lesson number 3, Samajhdar Ajay in Bhasha Abhyas book, this book. Okay, today we will complete it. Okay, we'll try to complete it and we'll start new lesson. First of all, write today's date over here, which date I have explained you in previous videos. जिस दिन स्कूल वेबसाइट में वीडियो अपलोड हो रहा है उस दिन की डेट. ओके, अब ये माइंड में रखना, जिस दिन स्कूल वेबसाइट में वीडियो अपलोड होता है उसी दिन की यहाँ डेट लिखनी है. जब मैं डेट लिखने का बोलू तब, अब मैं ये बार बार ये एक ही चीज आपको नहीं बताऊंगी, है ना. यहाँ पर CW लिखिए. लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 5. बरखा की बूंदों में दिए अक्षरों से शब्द बनाइए और लिखिए. ये बरखा यानी बारिश की बूंदे दिखाई दे रही है, कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है ना. वो बूंदे बूंदों में कुछ कुछ अक्षर लिखे हैं, देखिए, है ना. अब इन्हीं अक्षरों का यूज करके हमें शब्द बनाना है, मिलाकर. मिला लेने से कुछ न कुछ वर्ड्स हमें मिल जाएंगे, वो हमें यहाँ पर लिख देना है. फर्स्ट वन इज गिवन टू यू फॉर एन एग्जाम्पल. देखो, रा और ये झा, ये दोनों मिलाकर क्या बन गया, राजा, है ना. मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए. अब यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बनाकर रखा है. ओके, आइए मैंने कैसे बनाया है मैं समझाती हूँ. कौन से वर्ण अक्षर मिलाकर बनाया है, ये है हा, कहाँ है हा, थ, तो बन गया इस तरह से. यहाँ पर आप एरो लगा सकते हैं, इस तरह से लगाएंगे और ये बन गया हाथ. यहाँ पर लिखिए आप. अब आप लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, ये दो लाइन के बिटवीन हमारा वर्ड आना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए. ओके, अभी देखिए यहाँ थ लिखते वक्त ध्यान दीजिएगा, ये पूरे थ के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती. ये जैसे ध और म लिखते है ना, वैसे है ना, ध ध और भ, सॉरी, उसमें पूरे लेटर में शिरोरेखा नहीं आती, ये इधर से आती है. देखो हा थ, समझ में आया, आग. उसी तरह दूसरा वर्ड मैंने बनाया है आग, ये रहा आ और ग, बन गया आग. ये है सा थ, थ, थ लिखते वक्त ध्यान रखिएगा फिर से. ये है डा क, डा क. फिर हमें क्या मिला, रात, रात. एक ही अक्षर बार बार यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, जैसे ये राजा में भी रा यूज हुआ है, रात में भी हुआ है. ओके, फिर यहाँ है तक, तक, तक यानी कि अपॉर्चुनिटी, ये भी करेक्ट वर्ड मिल गया. फिर है हा रा, हारा, ये भी करेक्ट वर्ड मिल गया हमें. इसी तरह राग, और नया एक वर्ड मिला झाग, भी हो सकता है राग भी हो सकता है. तो आप इस तरह से वर्ड लिखोगे, और आप कुछ और नए वर्ड इसमें से बना पाओ तो वो भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं यही वर्ड लिखने हैं. एक्स्ट्रा वर्ड लिखने हैं तो वो भी इसके बाजू में जो प्लेस है वहां इस तरह से डैश करके लिख सकते हैं. इस तरह करने से आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, है ना, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, तो आप एक्स्ट्रा वर्ड्स भी लिख सकते हैं.
Got it? Now, today we have completed exercise of lesson number 3 over here. Now, we will start exercise of lesson number 4, रविवार का दिन. हमने भाषा माधुरी बुक में ये ऑलरेडी लेसन पढ़ लिया, इसकी एक्सरसाइज भी कर ली. अभी हम स्टार्ट करेंगे भाषा अभ्यास बुक में. ओके, सो राइट टुडेज डेट ओवर हियर. डोंट राइट दिस डेट, दिस इज लास्ट ईयर्स डेट. ओके, और कौन सी डेट लिखनी है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. CW, रविवार का दिन. क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स रीड. चित्र देखकर दिए गए शब्दों में से सही नाम चुनकर लिखिए. यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और ये शब्द में से यहाँ पर शब्द दिए गए हैं हेल्प बॉक्स में. ये रहे, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर. ओके, और इसमें से सही करेक्ट नाम चुनकर इसमें लिखना है. चित्र देखोगे, वर्ड पढ़ोगे तो ऑब्वियस आपको फटाक से वो वर्ड मिल जाएगा. ये क्या है, इसमें से पढ़ोगे तब पता चल जाएगा. ये है पहिया. आपको बार बार ये वर्ड पढ़ने पड़ेंगे. हर एक वर्ड आप पढ़ोगे, उसके बाद आप यहाँ लिखोगे. देखो मैं एक बार आपको ये समझा रही हूँ. ये चित्र हमने देख लिया. ओके, फिर आप इसमें से पढ़ोगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है. सितार, माचिस, पहिया, टिकट, बारिश, नारियल, किताब, तकिया, गिलास. तो ये क्या है, पहिया. जैसे ही ये वर्ड मिल गया, इसके ऊपर आप पेंसिल से इस तरह से सर्कल कर दो ताकि दोबारा वो वर्ड हम यूज नहीं करना है, हमें ध्यान में रखना है, है ना. इसलिए सर्कल कर देने से हमारी गलती नहीं होगी. तो पहिया लिख दिया यहाँ इस तरह से. इसमें देखिए आप कौन सी मात्रा यूज की गई है. यस, रस्वई की मात्रा, है ना, जिसका उच्चारण कैसे होता है, थोड़ा कम टाइम लेता है, बस उतना याद रखना है. छोटी ई की मात्रा है, छोटा टाइम लेता है. ओके, रस्व यानी कि छोटी. यह है गिलास. देखो गिलास, मैंने उच्चारण कैसे किया, गिलास. आप इसका उच्चारण गिलास नहीं कर सकते. आ रहा है समझ में, रस्वई का मतलब. बस प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना है. ई ई और ऊ दोनों मात्रा में यही डिफरेंस है. ओके, अब ये गिलास है, इसी में से आपको मिलेगा. फिर से सारे वर्ड रीड करो. रीड करोगे तो आपको मिल जाएगा गिलास. कहाँ पर है गिलास, ये रहा, सर्कल कर दो. अब ये क्या है, इसी में से पढ़ोगे. ये रहा किताब, लिख दीजिए यहाँ किताब. प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे, किताब नहीं, रॉन्ग, किताब. स्मॉल है, कम टाइम लेना है. ओके, यह है बारिश. इसमें भी उच्चारण करते वक्त ध्यान रखिएगा, बारिश नहीं, बारिश. ओके, दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. यह है नारियल, नॉट नारियल, नारी नहीं बोल सकते हैं. र में प्रोनाउंस करते वक्त, री प्रोनाउंस करते वक्त फिर से यहाँ कम टाइम लो और प्रोनाउंस करो, उच्चारण करो, नारियल. यह है तकिया, यह है माचिस, यह है सितार, यह टिकट. गॉट इट ऑल ऑफ यू. ये पढ़ते जाइए यहाँ से, इसमें से सर्च करते जाइए और लिखते जाइए. मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी तरह फटाफट लिख दो देखकर. आप साथ में पढ़ते जाओ. ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 4. In next video also, we'll start question number 2. Till then, bye-bye. Thank you.